चीन के शंघाई और बीजिंग में कोरोना महामारी से हाहाकार, दोनों सबसे बड़े शहरों में संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंध और कड़े। कैद में लोग, घर से निकलने, सामान की डिलीवरी पर भी रोक। शंघाई में लगातार 6 हफ्तों से लॉकडाउन जारी। उन्नाव में सपा जिला उपाध्यक्ष के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सपा जिला उपाध्यक्ष ने अवैध जमीन पर बना रखा था अस्पताल। प्रशासन ने सोमवार को ठहराया अवैध निर्माण। एक महिला ने प्रशासन पर उसका अवैध निर्माण गिराने का आरोप लगाया। गाजीपुर में चोरों ने बैंक के लॉकर रूम की छत तोड़कर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सैदपुर शाखा की छत काटकर बैंक के लॉकर रूम में घुसे चोर, लॉकर में रखे लाखों के जेवरात चुराकर फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में गाड़ी का हॉर्न देकर रास्ते से हटने को बोलना बाइक सवार युवक को भारी पड़ा। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, लात घूंसे बेल्ट से पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहा था बाइक सवार युवक। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर पैसे लेते कैमरे में कैद हुए CDPO कयूम खान, खुद करते हैं बाल विकास पुष्टाहार विभाग की नौकरी और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के लिए मांगे थे 1 लाख रुपए। नोएडा में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर कलेक्शन एजेंट से 7 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाश ने की लूट। ये CCTV फुटेज भी आया सामने। बीते एक महीने में 3 वारदात, पहले भी 2 बार कलेक्शन एजेंट के साथ हो चुकी है लाखों की लूट। ग्रेटर नोएडा की इकोटेक वन पुलिस ने कंपनी से चोरी करने वाले 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मोबाइल की विदेशी कंपनी से चोरी किए गए 20,000 मोबाइल डिस्प्ले बरामद। 24 लाख के मोबाइल डिस्प्ले सहित कार भी मिली। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में युवक की पीट पीट कर हत्या की गई। पुलिस से शिकायत करने पहुंची युवक की मां को भगाया पुलिस पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए। करारी थाना क्षेत्र के बरहा का मामला। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में सियासत शुरू। कांग्रेस ने यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, कहा सरकार व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे कर रही है वो धरातल पर कहीं नहीं। मई को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे निर्मला गहतोड़ी। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी है निर्मला। लखीमपुर कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर गंभीर टिप्पणी, कहा किसानों को खदेड़ने की धमकी नहीं दी होती तो नहीं होती लखीमपुर में हिंसा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार किया जाएगा, इसकी फिर से जांच की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में 3 पेज का हलफनामा दायर किया है। वाराणसी जेल में सपा कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा जाति और धर्म के आधार पर कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई, कहा इन कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज भी अफजाल के परिवार के सदस्यों से पूछताछ संभव। कल अफजाल से 10 घंटे तक ईडी के अधिकारी करते रहे सवाल जवाब। अफजाल बोले भाजपा कर रही परेशान।